हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये लिख के भेजा था कि सर मैट्रिक कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें ये नहीं पता चलता कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं या 1 हेक्टोग्राम में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसको कैसे याद रखना है, ये हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये मैट्रिक कन्वर्जन के ऊपर ही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। इसको आपने किस तरह से लर्न करना है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो वंस अगेन स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल इजी सॉल्यूशंस में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज़ जैसे कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको हमने किस तरह से याद करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप खुद बहुत उसको निकाल सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले मूव पे। इसके लिए बच्चों आपको एक ये टेबल बनाना पड़ेगा, और इस टेबल को याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है इसका, ठीक है। तो अब कैसे करना है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है 1 किलोमीटर, उसके बाद 1 हेक्टोमीटर, देन 1 DAM मतलब डेकामीटर, 1 मीटर, 1 DM मीन्स डेसीमीटर, 1 CM मीन्स सेंटीमीटर, एंड 1 mm मीन्स मिलीमीटर। इसी तरह से हम किलोग्राम, हेक्टोग्राम या किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद कैसे करना है ये देखते हैं हम। तो इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, आपने ये याद रखना है कहाँ है देखो मेरा DCM, या फिर पंजाबी में कहें तो इत्थे है देखो मेरा DCM, ठीक है जी। अब कहाँ मीन्स किलो, है मतलब हेक्टो, देखो डेका हो गया, मेरा मीटर हो गया, डी फॉर DCM, डी से डेसी, सी से सेंटी, एम से मिली। तो इतना आपने पहले लिख लेना है, ठीक है जी। तो आपने 1 किलोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 डेकामीटर, 1 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर लिख दिया। अब आपने उसके सामने क्या करना है, अब हमने उसके सामने सबसे पहले 10 10 10 10 10 10 लिख देना है। उसके बाद सबसे नीचे क्या था, मिलीमीटर, मिलीमीटर को एक स्टेप ऊपर ले दो, लिख दो आप मिलीमीटर। ऐसे ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को DM के सामने 10 सेंटीमीटर लिख देना है। ऐसे ही DM जो था उसको 1 मीटर के सामने 10 DM लिख देना है। इस तरह से एक 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 स्टेप हम ऊपर लिखते जाएंगे। तो हमने जब इस तरह से लिख लिया तो हमारा ये टेबल पूरा बन जाएगा। जब इतना काम हमने कर लिया तो समझो कि हमने 90% तो जंग जीत ली। अब बेटा हमने इसको कैसे यूज़ करना है ये हमने देखना है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हम देखते हैं। तो लेफ़्ट में 1 किलोमीटर जो आप देख रहे हो हमने उसको मार्क कर लिया। अब हमने पहुंचना कहाँ तक है, सेंटीमीटर तक। अब राइट साइड में देखो सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, वहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब आप ये देखो कि यहाँ से हमने कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0 5 0s हो जाएंगी, दैट मीन्स 1 लाख। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा डेकामीटर, और यहाँ टेबल में ये हमारा डेकामीटर हो गया। अब हमने पहुँचना कहाँ तक है, मिलीमीटर, तो ये रहा हमारा मिलीमीटर। तो अब हम देखते हैं कितनी जीरोस यहाँ डेकामीटर से मिलीमीटर तक आने के लिए कितनी जीरोस आती हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाता है कि भाई 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेकामीटर, तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, हमने हमारा पहले आंसर कितना था 10,000, हमने 1 अपॉन 10,000 लिख देना है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 अपॉन
10,000 डेकामीटर। तो इतना सिंपल सा था ये, जो अब आप आसानी से कर सकते हो। अब हम सीखेंगे 1 मीटर स्क्वायर को किस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मनी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 मीटर स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 100 इंटू 100 इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर आंसर इज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा बच्चों कितना ज़्यादा सिंपल था ये। अब जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो याद करते हैं इसको, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। बट आपने इसको रटना नहीं है, आपने इसको इस तरह से याद रखना है। ओके, अब ये आपने मुझे बताना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब। तो सोचिए और बताइए। तो सेम वही प्रोसीजर हम लोग यूज़ करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने क्या करना है, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। अब जैसे ही हमने क्यूब कर देना है, तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है आपको पता ही है, 1 मीटर क्यूब 1 × 1 × 1 इज 1, तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। और 100 का क्यूब कितना होता है, 100 × 100 × 100, तो कितनी जीरोज आ गई, 6 जीरोज आ गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो कभी भी इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जब भी आता है तो इस तरह से आप निकाल लो, ठीक है। और अगर मान लो कि सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप इसका उल्टा भी निकाल सकते हो। तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, इस तरह से आप सिंपली निकाल सकते हो। अब हम मीटर क्यूब और लीटर्स के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। इट मीन्स कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब होता कितना है। क्यूब क्या होता है, 3-डायमेंशनल फिगर जिसकी लेंथ है, लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है। तो 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ कि जिसकी हाइट भी 1 मीटर है, जिसकी विड्थ भी 1 मीटर है और जिसकी ब्रेथ भी 1 मीटर है। तो सपोज हमने एक क्यूब ले लिया जो 1 मीटर क्यूब का था। अब उसमें हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हमने जब 1 लीटर पानी डाला, 2 लीटर डाला, तो इस तरह से ये 1 मीटर क्यूब जो है इसमें कितना लीटर आ जाएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब कितना हुआ, 1000 लीटर्स। अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 3 जीरो यहाँ पे काट दी, 3 जीरो यहाँ से काट दी, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको ये आता है कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1000। इसका उल्टा पूछते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स। वंस अगेन, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।